गुड इवनिंग बच्चों, कैसे आप लोग? अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम 10th क्लास से कार्बन कंपाउंड्स चैप्टर करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कार्बन के बारे में। कार्बन क्या होता है? सो व्हाट इज द सिंबल ऑफ कार्बन? कार्बन का सिंबल क्या है? इट इज सी। कार्बन का सिंबल क्या है? सी। सी मीन्स सी फॉर कार्बन। तो कार्बन को हम रिप्रेजेंट करते हैं सी सी। व्हाट इज एटॉमिक मास ऑफ कार्बन? कार्बन का एटॉमिक मास क्या होता है? इट इज 12। एंड व्हाट इज एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन? सो एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6। देन वी विल नो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन इज 2, 4। यानी कार्बन एटम के फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। और सेकेंड शेल में कितने हैं? 4। इट मीन्स कि जो कार्बन है उसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है दैट विल बी 4। यानी कार्बन के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? देखिए यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है। तो कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कितना हुआ? 4। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? किसी भी एटम के आउटर शेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है दैट इज इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हुआ? 4। तो किसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और इसी तरह से हम निकाल सकते हैं इसकी वैलेंसी। तो कार्बन की वैलेंसी भी क्या है? 4 है। क्यों? क्योंकि इसको 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। ऑक्टेट यानी आउटर सेल में अभी कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। और सभी एटम्स क्या चाहते हैं कि उनके आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो। तो 4 है और इसको 4 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है अपने आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए, जिसे हम ऑक्टेट भी कहते हैं। अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसे कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। एंड दैट्स व्हाई इट्स वैलेंसी इज 4। कार्बन की वैलेंसी कितनी है? 4 है। और अगर हम कार्बन के आइसोटोप्स की बात करें तो कार्बन है 3 आइसोटोप्स। कार्बन के 3 आइसोटोप्स है। कौन कौन से? तो आपको पता है कि आइसोटोप्स क्या होते हैं? जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो और मास नंबर डिफरेंट हो, दैट इज द आइसोटोप्स। यानी ये 3 आइसोटोप्स हैं और तीनों के एटॉमिक नंबर क्या है? 6 हैं। और हमें पता है कि एटॉमिक नंबर को हमेशा हम फुट पे लिखते हैं, एटम्स के नीचे लिखते हैं। तो हमने फुट पे लिख दिया 6। 6 क्या है इसका? एटॉमिक नंबर। आइसोटोप्स क्या होते हैं? जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो। तो तीनों के एटॉमिक नंबर क्या है? सेम है। मास नंबर शुड बी डिफरेंट। सो मास नंबर क्या है? एक का 12, अनदर इज 13 एंड नेक्स्ट वन इज 14। सो 3 आइसोटोप्स है, कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14। तो दिस इज द बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट कार्बन। ये कार्बन के बारे में हमारा क्या था? बेसिक इंफॉर्मेशन था। तो ये जो आपका चैप्टर है कार्बन कंपाउंड्स, ये किसका पार्ट है? इट इज अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। किसका पार्ट है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है। सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम किसके बारे में पढ़ते हैं? कार्बन कंपाउंड्स के बारे में। डील विद कार्बन कंपाउंड्स। और अभी हमारे चैप्टर का नाम भी क्या है? कार्बन कंपाउंड्स। तो हम कार्बन कंपाउंड्स के बारे में ही पढ़ रहे हैं। दैट्स व्हाई इट इज द पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। डील विद कार्बन कंपाउंड्स। ठीक है, कार्बन कंपाउंड्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है। सो टेल मी वन थिंग, यहाँ दोनों में ही कार्बन है। मीथेन में भी कार्बन है और कार्बन डाइऑक्साइड में भी कार्बन है। तो क्या ये दोनों ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है?
दो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पार्ट होंगे, दिस इज मीथेन, आपको पता है CH4H मीथेन, एंड दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या दोनों ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पार्ट्स हैं? नो, यहाँ कार्बन के साथ क्या है, हाइड्रोजन भी है। अगर कार्बन के साथ हाइड्रोजन भी हो एज ए नेसेसरी एलिमेंट, देन इट इज अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो ये जो आपका मीथेन है, ये किससे बिलोंग करता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बिलोंग करता है। लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड है, यहाँ देखिए कार्बन तो है पर हाइड्रोजन नहीं है, सो इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट नहीं है, बल्कि इसको हम किसमें पढ़ते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो इट इज अ पार्ट ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो इस चैप्टर में हम कार्बन कंपाउंड्स, यानी कार्बन कंपाउंड्स, ऐसे कार्बन जिसके साथ क्या हो, हाइड्रोजन भी एसोसिएटेड हो, हाइड्रोजन भी जुड़ा हो, सिर्फ उसी के बारे में पढ़ेंगे। सो नेक्स्ट पार्ट में हम जानेंगे कार्बन के और प्रॉपर्टीज के बारे में।